नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छा करता हूँ आप सभी लोग बच्चों में। दोस्तों अगर आप भी गूगल पे चलाते हैं और दोस्तों अगर आपने भी गूगल पे में गूगल पे यूपीआई लाइट को सेटअप किया हुआ है और दोस्तों अगर आप भी गूगल पे यूपीआई लाइट के बैलेंस का यूज़ करके मोबाइल रिचार्ज कराना चाहते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर आपको जियो का रिचार्ज कराना है, एयरटेल रिचार्ज कराना है या वोडाफोन का आइडिया का मोबाइल का रिचार्ज कराना है, बीएसएनएल का रिचार्ज कराना है, किसी भी सिम में आप जो है गूगल पे यूपीआई लाइट के बैलेंस का यूज़ करके मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए जैसे अगर आपके गूगल पे यूपीआई लाइट में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जैसे 100 रुपये हैं, 200 रुपये अगर आपने डाले हैं गूगल पे यूपीआई लाइट में और उन पैसों को आपको यूज़ करना है, तो आप उस पैसों का मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन गूगल पे यूपीआई लाइट से ही होगी और यहाँ पे जो है आपके गूगल पे यूपीआई लाइट के बैलेंस को यूज़ करके आप मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दूँ कैसे आप गूगल पे यूपीआई लाइट के बैलेंस का यूज़ करके अमाउंट यूज़ करके कैसे मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं। तो गूगल पे यूपीआई लाइट की मदद से के बैलेंस की मदद से यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, गूगल पे एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे गूगल पे यूपीआई लाइट का बैलेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा 25 रुपीज़ है। तो दोस्तों ये मैं केवल आपको टेस्टिंग पर्पज के हिसाब से दिखा रहा हूँ, मेरे को केवल आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है इसकी, इसीलिए दोस्तों मैं केवल छोटा मोटा कुछ रिचार्ज कराने वाला हूँ, 10-20 रुपये का कुछ सिंपल से रिचार्ज कराने वाला हूँ। बस मेरे को आपको प्रोसीजर बताना है कि कैसे प्रोसीजर करना है, आपको जितना भी अमाउंट का रिचार्ज कराना है, चाहे 155 वाला रिचार्ज है या 200 वाला रिचार्ज है, 300 का रिचार्ज है, 400 का रिचार्ज है, सेम प्रोसेस में आप यहाँ पे करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गूगल पे यूपीआई लाइट में आप 200 रुपये से कम का ही रिचार्ज करा सकते हैं, जैसे 155 या 179, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है गूगल पे यूपीआई लाइट में वो 200 रुपये तक होता है मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम 200 रुपये तक का आप ट्रांजेक्शन अमाउंट एक बार में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे केवल आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज करना है गूगल पे यूपीआई लाइट बैलेंस का यूज़ करके। तो मेरे 25 रुपीज़ है, देखिए। अब जैसे अगर आपको जियो का कराना है, एयरटेल कराना है, वोडाफोन कराना है, आइडिया कराना है, बीएसएनएल कराना है, किसी भी कोई भी रिचार्ज कराना है, तो प्रोसेस बिल्कुल सही में रहेगा। सबसे पहले आपको मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको फोन नंबर यहाँ पे डाल देना है जिस मोबाइल नंबर पर आपको रिचार्ज कराना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपना जो है जिस भी नंबर पे मेरे को रिचार्ज कराना है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे रिचार्ज यहाँ पे सारे आ जाते हैं, स्मार्ट रिचार्ज आते हैं, 181 का, 62 का, 152, 75, 26। तो यहाँ पे जितने भी रिचार्ज हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, प्राइम वाले रिचार्ज आते हैं, नॉन प्राइम वाले रिचार्ज आते हैं। तो यहाँ पे सारे जितने भी रिचार्ज है देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे रिचार्ज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्राइम वाला है, आगे स्मार्ट स्पेशल रिचार्ज है, प्राइम रिचार्ज है। तो ये सारे जितने भी रिचार्ज हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे अगर मैं करके दिखाऊंगा तो देखिए बहुत यहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पे लिस्ट है। तो जो भी रिचार्ज आपको कराना है प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गूगल पे यूपीआई लाइट का बैलेंस का यूज़ करके आप जो है मैक्सिमम एक बार में 200 रुपये तक रिचार्ज करा सकते हैं, क्योंकि 200 रुपये की इसमें लिमिट होती है, 200 रुपये से ज़्यादा का, अगर 201 रुपये का भी रिचार्ज होगा तो 201 रुपये के रिचार्ज में आप गूगल पे यूपीआई लाइट का बैलेंस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल पे यूपीआई लाइट में केवल मैक्सिमम 200 रुपये की लिमिट होती है। ठीक है, तो मैं आपको केवल टेक्स्टिंग पर्पज के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा मेरे को जो है एक मैं आपको जो है एक यहाँ पे जो है एक सिंपल सा देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 रुपये का एक रिचार्ज आ रहा है, तो 20 रुपये का 20 रुपये का मैं रिचार्ज यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 20 रुपये का मैंने रिचार्ज करा दिया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब नीचे ये बोलेगा चूज अकाउंट और कार्ड टू पे, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे यूपीआई लाइट का आता है, इससे आपका जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उनके आ जाते हैं और कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूपीआई लाइट ही यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे यूपीआई लाइट वाला यूज़ करना है। मेरे 25 रुपये मेरे यूपीआई लाइट बैलेंस में है, 20 रुपये का मेरे को रिचार्ज कराना है। तो ऐड पे 20 रुपये पिन फ्री पे क्लिक कर देना है। आप देखिए दोस्तों, मेरे को कोई भी यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी भी यूपीआई पिन डाले देखिए जो मोबाइल रिचार्ज है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, ये जो है मोबाइल रिचार्ज मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मेरे 25 रुपये थे गूगल पे यूपीआई लाइट में, अब देखिए 5 रुपये मेरे गूगल पे यूपीआई लाइट में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे इसकी हिस्ट्री भी दिखाता हूँ। तो शॉर्ट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये 20 रुपये का यहाँ पे आ चुका। देखिए 20 रुपये मैंने किया और ये 20 रुपये का मैंने रिचार्ज किया, अभी जियो का प्रीपेड रिचार्ज करवाया मैंने। और देखिए दोस्तों ये जियो का प्रीपेड रिचार्ज जो मैंने कराया वो अपने जो है गूगल पे यूपीआई लाइट की मदद से हेल्प से करवाया। ठीक है, तो इस तरह से आप भी जो है अपने जो है गूगल पे यूपीआई लाइट गूगल पे यूपीआई लाइट के बैलेंस का यूज़ करके कोई किसी भी सिम में रिचार्ज करा सकता है, चाहे आपको जियो में रिचार्ज कराना है, चाहे एयरटेल में रिचार्ज कराना है, चाहे वोडाफोन आइडिया में रिचार्ज कराना है, बीएसएनएल में रिचार्ज कराना है, किसी भी सिम में आप रिचार्ज करा सकते हैं गूगल पे यूपीआई लाइट का बैलेंस का यूज़ करके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी आपका क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चले मिलते हैं आपसे अगले, तब तक बोलते हैं हर मध्य शुभ बोलना।